आज की लड़ाइयां अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं और साइबर वर्ल्ड में भी लड़ी जाती है, और इसलिए सेना को आधुनिक बनाना हमारी आवश्यकता है, हमारी प्राथमिकता भी है। आधुनिकता हमारी सेना की पहचान बननी चाहिए। जल हो, थल हो, नभ हो, हमारी सेना अपने अपने क्षेत्र में उच्चतम शिखर को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखे और आधुनिक बने, ये हमारा प्रयास है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ना किसी के दबाव में काम होगा, न प्रभाव में और न ही किसी अभाव में। चाहे अरिहंत के जरिए परमाणु त्रिकोण की स्थापना हो या फिर ए-सैट परीक्षण, भविष्य की रक्षा जरूरतों, अपने संसाधनों की सुरक्षा के लिए दबावों की परवाह किए बिना हमने कदम उठाए हैं और उठाते रहेंगे। गहरे समंदर से लेकर असीम अंतरिक्ष तक जहां जहां भी भारत के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता होगी, भारत अपने सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करेगा। इसी सोच के साथ देश में सेना के आधुनिकीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। आधुनिक राइफलों से लेकर टैंक, तोप और लड़ाकू विमान तक हम भारत में तेजी से बना रहे हैं। डिफेंस में मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की अधिक भागीदारी और विदेशी निवेश के लिए भी हमने प्रयास तेज किए हैं। जरूरत के मुताबिक आधुनिक अस्त्र शस्त्र भी मंगवाए जा रहे हैं। आने वाले समय में हमारी सेना को दुनिया का आधुनिकतम साजो सामान मिलने वाला है। लेकिन साथियों, सेना के प्रभावी होने के लिए आधुनिकता के साथ ही एक और बात महत्वपूर्ण है, ये है जॉइंटनेस। चाहे वर्दी किसी भी तरह की हो, उसका रंग कोई भी हो, कोई भी पहने, लेकिन मकसद एक ही होता है, मन एक ही होता है। जैसे हमारे देश के झंडे में तीन अलग अलग रंग है, लेकिन वो तीन रंग एक साथ होकर जो झंडा बनता है, जो जीने मरने की प्रेरणा देता है, उसी तरह हमारी सेना के तीनों अंगों को आधुनिक सामर्थ्यवान होने के साथ ही व्यवहार और व्यवस्था में आपस में जुड़ना, ये समय की मांग है।